दोस्तों सोचिए कि आप कोई सपना देख रहे हों और इस सपने में आप एक ऐसे आइलैंड पर हैं जो चारों तरफ जहरीले सांपों से भरा हुआ है। तो आपके लिए ये सपना एक बहुत ही डरावना सपना होगा, जहां पर आप चारों तरफ से जहरीले सांपों के बीच फंसे हुए पाओगे। दुनिया भर में इन जहरीले सांपों की वजह से हजारों लोगों की मौत होती है। ऐसे ही बहुत सारे जहरीले सांप इस आइलैंड पर पाए जाते हैं। जिस आइलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्राजील का स्नेक आइलैंड। ब्राजील के इस आइलैंड का आकार बहुत ही छोटा है। ये आइलैंड 106 एकड़ में फैला हुआ है। ब्राजील का एक छोटा सा आइलैंड जो कि खतरनाक सांपों से भरा हुआ है। ये आइलैंड ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है। ब्राजील का ये आइलैंड साओ पाउलो राज्य का हिस्सा है, जहाँ से इस आइलैंड की दूरी 20 मील की है। इसी कारण ये सांप उस आइलैंड से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इस आइलैंड पर केले के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा सांप होने के कारण यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। इसके बावजूद भी एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर एक लाइट हाउस भी है। पहले इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए एक इंसान यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता था। इस फैमिली के साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ का दावा है कि एक दिन खिड़कियां खुली रहने के कारण सांप इस घर के अंदर चले गए और उन सांपों के काटने की वजह से सभी की मौत हो गई। ये बात कितनी सच है इसका कोई सबूत नहीं है। अब इस लाइट हाउस को ब्राजीलियन नेवी द्वारा संचालित किया जाता है। वैसे तो इस आइलैंड पर बहुत सारे खतरनाक और जहरीले सांप मिलते हैं, लेकिन अगर इस आइलैंड को किसी के नाम से जाना जाता है तो वो है गोल्डन वाइपर। इस वाइपर को बहुत ही खतरनाक और जहरीला माना जाता है। इस सांप का रंग हल्का पीला और भूरा होता है। इस सांप को दक्षिणी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। गोल्डन लेसेड का जहर हीमोटॉक्सिन होता है, जिसके कारण ये सीधा इंसान के खून पर असर डालता है। इसका एंटी वेनम मिलने के बावजूद भी इंसान की मृत्यु दर 3% होती है। अगर इसका एंटी वेनम ना मिले तो ये दर बढ़कर 7% हो जाती है। हालांकि ब्राजील सरकार ने अब इंसानों का यहाँ पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। इस आइलैंड पर सांपों की संख्या 4 लाख के करीब है, लेकिन इनमें से गोल्डन वाइपर की संख्या 2500 और 3000 के करीब है। जंगलों की कटाई के कारण और इन सांपों के अवैध शिकार के कारण गोल्डन लेसेड वाइपर की संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। स्नेक आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर सांपों के अलावा और कोई जानवर नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड पर जो जानवर थे वो इन सांपों द्वारा शिकार कर लिए गए। सांपों की इतनी ज़्यादा संख्या होने के कारण दूसरे जीवों का यहां पर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया। अब ये सांप उन पक्षियों को खाते हैं जो इस जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं। ये सांप इन पेड़ों पर रहकर उन पक्षियों के उतरने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर उनको उड़ने से पहले मार देते हैं। ब्राजील सरकार ने मनुष्यों और सांपों की रक्षा के लिए इस आइलैंड को पूरी तरह बंद कर दिया है। इस द्वीप के तट पर ब्राजीलियन नेवी है जो सभी इंसानों को यहाँ पर आने से रोकती है। बहुत ही कम शोधकर्ताओं को यहाँ पर जाने की अनुमति है, लेकिन कोई आम इंसान यहाँ पर जाने की हिम्मत ही नहीं करता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।